नमस्कार, डिजाने विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में आंखों की बीमारी यानी आई कंजक्टिवाइटिस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। लोग अक्सर ये शिकायत कर रहे हैं कि न केवल उनकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से लगातार पानी गिर रहा है, आंखों में जलन और खुजली होती है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब वो सुबह उठने लगते हैं तो उनकी आंखें चिपक जाती हैं, चिपचिपाने लगती हैं। चिकित्सकों का यह कहना है कि ये बहुत ही आम फहम बीमारी है जो अक्सर बरसात के मौसम में होती है। बैक्टीरियल ये इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लोगों को आँखों की परेशानी होती है, और ये भी कहा जाता है कि अगर सावधानी ना बरती जाए तो हम अपने साथियों को, अपने परिवार के लोगों को आँखों का लाल होना यानी आई कंजक्टिवाइटिस दे देते हैं। क्या सावधानियाँ होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए, क्या मिथ है, क्या हकीकत है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश अग्रवाल मौजूद हैं। आप श्री गणेश नेत्रालय के डायरेक्टर हैं, चेन्नई में, दिल्ली में, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने काम किया है। काफ़ी लंबे समय से वो आँखों के विशेषज्ञ के रूप में इंदौर में और मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर महेश अग्रवाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बीमारी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आई कंजक्टिवाइटिस, ये बरसात में ही होती है या गर्मी, सर्दी या दूसरे मौसमों में भी होती है? अक्सर मैंने देखा कि पिछले दो बार की बात छोड़ दी जाए तो अक्सर बरसात आती है और साथ में ही अपने साथ ये बीमारियां ले आती है, या जो बरसात के साथ जो फंगल इन्फेक्शंस वाली जो बीमारियां होती हैं उसी में से एक तरह की बीमारी ये भी आती है। तो मोटा सवाल ये है कि क्या इस बीमारी का संबंध सिर्फ बरसात से है या दूसरे मौसम में भी होती है? नहीं, ये पूरा किसी भी मौसम में हो सकता है, बट बरसात में ये इसलिए ज़्यादा होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, नमी वातावरण में नमी रहती है, जो कि एक तरह से बैक्टीरिया या वायरस इनको फ्लरिश होने के लिए एक फेवरेबल अनुकूल वातावरण मिल जाता है बैक्टीरिया को, तो इसके कारण ये ज़्यादा फैलती है। दूसरा चीज़, हम कई बार ये होता है कि हम पानी में भीग जाते हैं, ये होता है, तो फिर हम क्रॉस कई एक ही हैंकी या कुछ भी यूज़ कर लेते हैं घर में या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम क्रॉस कंटामिनेशन बहुत जल्दी होता है। इस बीमारी का सबसे बड़ी जो फैलने का बड़ा कारण है वो ये है कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो आँखों के लाल होने से या आँखों की बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनके संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है, ये मोटा तौर पर आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी कहा जाता है या मिथ कह लीजिए कि अगर हम आपकी आंखें आई हुई हैं, मेरी आंखें आई हुई हैं और हमको हमारी आंखों में आंखें किसी ने डाल दी और हमारी आंखें चार हो गई, मोहब्बत में आंखें चार हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ आंखें चार हो जाएं तो मालूम पड़ता है कि आंखें आ जाएंगी, ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। बहुत रेयर एयरबॉर्न डिजीज फैलती है, बट उसका परसेंटेज बहुत ही लो, वेरी लो रहता है। जब बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा पेशेंट हैं ऐसे जिनको कंजक्टिवाइटिस है, बहुत सारे लोग एक साथ बगल में, जिसमें ज़्यादा लोगों को कंजक्टिवाइटिस और क्लोज्ड एयर है जहाँ ओपन एयर सर्कुलेशन नहीं है, वहाँ पर ये थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ जाता है, बट अदरवाइज ओपन एयर में है तो ऐसा कुछ ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने अपने आँखों को हाथ लगाया, खुली चलती है, बार बार पोंछा और वो टेबल पर हाथ रखा और किसी ने टेबल पर रख दिया और उसे चला गया, तो ये एयर से नहीं फैल रहा, ये टच से फैल रहा है। बेसिकली ये कंटामिनेशन है थ्रू इनडायरेक्ट पाथ, मतलब ये जिस कंटेमिनेटेड। अब सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, हम दो साल कोरोना अधिक महामारी झेले, वैश्विक महामारी थी ये, उस समय हम दोनों साल में देखेंगे तो बरसात सीजन भी आया लेकिन हम लोगों को कंजक्टिवाइटिस बहुत कम था। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम उस समय अपना जो नॉर्मल नेचुरल हमको पता चला था मीडिया के थ्रू या हमको अवेयरनेस हुई थी, हम अपना ध्यान रखते थे, हम टच नहीं करते थे, सैनिटाइजर का उपयोग करते थे, बार बार हाथ धोते थे, बार बार हैंड वॉश करते थे, घर से बाहर आए तो हाथ धोना, कोई भी चीज़ को शेयर करने से पहले हम ध्यान रखते थे कि हाँ भाई इसको धोना नहीं है। अभी आप रेस्टोरेंट में गए या कहीं पर भी गए, यदि आपने पब्लिक सर्फेस टच किया तो उसके बाद आप तुरंत आके या तो सैनिटाइजर से क्लीन करते थे या घर में हैंड वॉश करते थे, आप ज़्यादातर अवॉइड करते थे पूरे फेस को टच करने से। ये सब प्रिकॉशन हमने लिए, नाक पर अपनी उंगलियां नहीं लगाते थे कोरोना के समय, ये हम सबको पता था कि इस पर नहीं टच करना है। तो आप देख लीजिए, दो साल में हमारा इंसिडेंस बहुत ही कम था, हम बहुत ही ऐसा कोई एपिडेमिक आया नहीं था। अब थोड़े से हम फ्री हुए हैं, रिलैक्स हो गए, तो थोड़े से बोलना चाहिए जो हम हो गए केयरलेस हो गए, ये केयरलेस होने के कारण हमको ये समस्या आ रही है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ये तो मौसमी बीमारी है, तीन चार दिन तक रहेगी,
और 4 दिन बाद ये अपने आप भी ठीक हो जाएगी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने के लिए आपको इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये सच है, और क्या अगर हम इसका इलाज न कराएं? दो सवाल एक साथ कर रहा हूँ। क्या ये सच है कि 3-4 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं? और क्या ये सच है कि अगर हम इसका इलाज नहीं कराएं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, हमारी आँखों की रोशनी भी जा सकती है? बिल्कुल। तो मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा आपका कि यदि हम इलाज नहीं कराते तो क्या होगा। यदि हम इलाज नहीं कराएंगे इसका, तो फिर सबसे पहली बात तो ये, आपकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। जैसे हमको नॉर्मली यदि सर्दी खांसी भी हो रही है, आपने यदि उसको छोड़ दिया कि नेचुरल क्योर हो जाएगा, तो कुछ पेशेंट्स में तो क्योर हो जाता है, बट वो बाद में नहीं तो कुछ मैक्सिमम पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें प्रिवेलेंट हो जाता है। सेम हमारे आई फ्लू में है या कंजक्टिवाइटिस में, यदि आपने इसको इलाज नहीं लिया, छोड़ दिया, तो हो सकता है 20-30% केस में ये अपने आप बॉडी के इम्यूनिटी से रिकवर होकर आप ठीक हो जाओ, बट फिर उसके बाद यदि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो डेफिनेटली वो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, उसके आफ्टर इफेक्ट भी ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़ कि ये यदि हम इसको नहीं कराएंगे, कभी कभी ये कॉर्निया जो सामने की काली पुतली रहती है उसको इन्वॉल्व कर लेता है साथ में इन्फेक्शन के, और यदि वो इन्वॉल्व होता है तब डेफिनेटली हमारी विजन जाने की भी संभावना रहती है। तो मतलब इसको हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप इसमें हल्के में लेते हैं और आप सोचते हैं कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं, तो ये हो सकता है कि 70-80 लोगों को ठीक हो जाता हो, लेकिन 30 लोगों को ये आँखों की रोशनी को खतरा बन सकता है। अब इसमें बेसिकली दो चीज़ अपने को देखना है। हम यदि पहले मॉर्बिडिटी की बात करते हैं, मॉर्बिडिटी को ये बोलते हैं कि आप यदि बीमार रहते हैं तो आपका दैनिक दिनचर्या और आपका वर्क कितना प्रभावित होती है। तो यदि आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मॉर्बिडिटी हाई रहेगी, मतलब आपको ये जॉब लीव 7-8 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, आपको समस्या आएगी, आप रूटीन एक्टिविटी वर्क आपका जो रहता है, वर्क फ्रॉम होम भी है तो वो भी नहीं कर पाएंगे, और आंखों में इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी। दूसरी रहती है, आप डेफिनेटली यदि ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप अपने आपकी आँख को आप डेफिनेटली एक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, चांस ज़्यादा दे रहे हैं। तो मतलब सिटी में या कहीं भी रहते हुए आजकल मेडिकल फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल है और है, तो फिर क्यों आप अपने घर पे इंतज़ार करना चाहते हैं कि अपने आप से ठीक हो जाए? और दूसरों को भी आप करेंगे? दूसरों को भी करेंगे, घर में डेफिनेटली बीमार रहेंगे तब तक आप दूसरों को भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी अक्सर ये होता है कि लोग सोचते हैं कि आँखें ही तो आई है, क्या कोई बड़ा काम थोड़ी हो गया है, तो चिकित्सक को दिखाने के बजाय, किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाने के बजाय या उसकी सलाह लेने के बजाय हम सीधी दवाई की दुकान पर जाते हैं और जो काउंटर परचेसिंग होती है कि भाई आँखें लाल हो रही हैं, खुजली मच रही है, चिपचिपाहट होती है, कोई आई ड्रॉप दे दो, और वो कोई आई ड्रॉप जो फार्मेसिस्ट होता है वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक और अनुभव से दे देता है। ठीक है, कई बार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन क्या इस तरह की गतिविधि, इस तरह की कैजुअली बीमारी को लेकर हमारा जो व्यवहार है वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये, आपको जो मेडिकल शॉप से ड्रॉप्स मिलते हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करता है जो आपको वेंडर दे रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है या उसने क्या अपनी डिग्री या क्वालिफिकेशन उनकी क्या है उसके हिसाब से दे रहे हैं। जनरली एक वेल क्वालिफाइड जो पर्सन रहता है वो आपको दवाई देने से साफ मना कर देगा, फार्मासिस्ट भी है यदि, कि नहीं आप पहले डॉक्टर से लिखवा कर लाइए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यदि कॉर्निया आपकी इन्वॉल्व है या कॉर्निया में इन्वॉल्वमेंट के पहले इनिशियल लक्षण है तो हो सकता है आपको पता ना चले, और फार्मासिस्ट यदि आपको कोई मेडिसिन देता है तो कई बार वो फ्लेयर अप भी हो जाते हैं, स्टेरॉयड भी कभी उसमें मिक्स रहता है, कभी नहीं रहता है, सब डिपेंड करता है। तो ओवर द काउंटर, एक तो पहली बात, कहीं पर भी अच्छे कंट्री में इट इज़ नॉट अलाउड। हमारे भारत में अब धीरे धीरे ये ट्रेंड हो रहा है कि कई बार वो प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं, बट अभी भी ओवर द काउंटर सेल है, बट ये जो जितने भी एंटीबायोटिक्स और बाकी जो ड्रग हैं ये शेड्यूल्ड ड्रग हैं, इनका डिस्पेंस, शेड्यूल्ड ड्रग का मतलब ये होता है कि डॉक्टर की पर्चे पर ही दी जाए, बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना है। तो कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन आप ऐसे नहीं दे सकते, आपको किसी न किसी डॉक्टर का पर्चा चाहिए जो उसमें स्पेसिफाइड क्वालिफाइड हो, उस पर्चे उनके ही इससे डिस्पेंस होना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली उसके यदि कभी साइड इफेक्ट आते हैं तो वो आपको बहुत परेशान करेगी। तो इस तरह से काउंटर ये, और ये बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, कुछ दवाइयाँ हैं आँखों की जिनके अक्सर बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, हाँ, पेपर में,
और लोगों को रटे हुए भी रहते हैं क्योंकि बहुत ही कामन नाम उनका होता है, जी और वो कोई सी भी आंखों संबंधी समस्या हुई तो वो ले लेते हैं। जैसे हम लोग पुराने जमाने में हमारी दादी नानियाँ गुलाब जल डाल दिया करती थी, और गुलाब जल के नाम पर क्या मिलता था भगवान जाने। पुराने जमाने में चूंकि मिलावटें कम होती थी तो चलो गुलाब की खुशबू आती थी, लगता था गुलाब जल है, और गर्मी में अक्सर हम डालते थे। लेकिन अब बहुत सारे काउंटर पर ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जो आँखों के नाम से रहती हैं, और लोग उनको कोई भी बीमारी आँखों संबंधी कुछ भी जरा सा भी लगा कि कुछ इचिंग हो रही है, खुजाल हो रही है, कुछ मीठी मीठी चल रही है, तो वो लेके और डाल लेते हैं। क्या ये ठीक है या नहीं ये कितना खतरनाक हो सकता है? हर नहीं बीमारी के लिए एक ही तरह का वो जो ड्रॉप है। बिल्कुल, यही मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं रहता, और वो जैसे कुछ आयुर्वेदिक ड्रॉप्स डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, उसमें वो सस्पेंशन रहते हैं। तो उसमें जो मेन बोलना चाहिए सस्पेंशन में जो एक्सट्रैक्ट रहता है वो नीचे रह जाता है, उसका जो सॉल्यूशन जो उसको घोल बनाने के लिए रहता है वो ऊपर रह जाता है। तो कई बार ऐसे लेयर सेपरेशन आ जाते हैं, तो आप शुरू में तो पूरा पानी पानी डाल लेते हैं, बट बाद में जब वो एक्सट्रैक्ट आपका गाढ़ा जाता है तो वो आँख को बर्न कर देता है, जलाता उससे एक है। हिला के डाली। हाँ, एक मतलब ये कोई भी सस्पेंशन हो उसको हिला के डालना है। दूसरा, जो भी आपके जो ड्रॉप्स रहते हैं या पानी गंग या गुलाब फिर जल गुलाब जल हो गए या कुछ भी डालना है, तो ये सब उस समय होते थे जब हमारे पास इतने अच्छे ड्रॉप्स एंटीबायोटिक और इनके कवरेज नहीं थे। ये आप जो आप दादी का बोल रहे हैं, तो ये आपकी दादी मतलब आज से मान के चले 50 साल पुरानी बात। तो सवाल ही नहीं, वो तो अगर आज वो होती तो 100 से ऊपर हाँ, तो होती। 50 साल पुरानी, 50 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब ये सब व्यवस्थाएं थी। अब तो इतना अच्छा ड्रॉप्स आ गए हैं, सब चीज़ें आ गई, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर का कंसल्ट करके यूज़ करना चाहिए। एक बरसात में एक मिथक ये भी चलता है कि भाई बरसात के मौसम के अंदर आंखों संबंधी कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, चाहे मोतियाबिंद का हो या कांचबिंद का हो या दूसरे भी कोई ऑपरेशन हो। क्यों बोले, टाके जो है बरसात के मौसम में पक जाते हैं, या बरसात के मौसम ऐसा होता है कि बैक्टीरिया और ये सब फ्लेयर होने की आशंकाएं ज़्यादा रहती हैं, तो इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो क्या लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराने के लिए, खासकर आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए, जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो दिवाली के बाद का होता है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जैसे आपने खुद ही बोला कि टांके पक जाते हैं या रहता था, वो पुरानी पद्धति थी। जब हम बड़े चीरा लगा के सर्जरी करते थे उस समय क्या होता था कि करीब 5 से 6 टांके आते थे, कभी कभी 8 से 10 टांके भी आते थे, तो उसमें इनसीजन बड़े रहते थे। जो भी स्वाभाविक है, यदि हम पूरा टोटल ओपन सर्जरी करेंगे तो उसको हील होने में टाइम लगेगा, और हील के समय फिर आपको पूरा जो 1.5-2 महीना है आपको पूरा मॉइस्चर और पानी ये से सब से बचाना पड़ता है। पानी से बचना है, जो कि प्रैक्टिकली हो सकता है कभी कभी पॉसिबल नहीं होता हो, इसलिए उनमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते थे। अब आजकल जो अभी लेटेस्ट सर्जरी हो गई है वो हो गई माइक्रो इंसिजनल कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें कि बहुत ही स्मॉल पिन होल इंसिजन लगता है। पिन होल सर्जरी होती है जिसमें एक पिन होल टाइप का मशीन जाती है, उसी से कैटरेक्ट निकालते हैं और उसी से फिर लेंस डाल दिया जाता है। तो इसमें तो मतलब ऐसे कोई टाका आता ही टांके नहीं है, आते ही नहीं हैं, बहुत, और हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो इसलिए ऐसा कोई मिथ नहीं बल्कि रहा। खून भी बहुत कम निकलता है, खून निकलता ही नहीं है, निकलता ही क्लियर नहीं, कॉर्नियल में तो कोई खून नहीं निकलता। तो इस वजह से वो वाला अब किसी बिल्कुल सेफ हो गया है, भी इनफैक्ट मौसम में करा किसी लीजिए। भी मौसम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कहा जाता है कि ये ठीक है, ये एक तरह का मिथ ही है कि भाई बरसात में मत कराइए वो पुरानी बरसात। पद्धति थी जब लोग करते थे तब ये मिथ था, अब वो किसी भी मिथ को ब्रेक होने में टाइम लगता है। इस मौसम में आपसे ये बात तो मेरी हो गई कि भाई हो जाए तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, दवाई ले लीजिए, सावधानी बरतिए, आंखों को हाथ मत लगाइए, कपड़ा अलग रखिए, रुमाल अलग रखिए, ये बीमारी हो ही ना। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर, तो वो ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए हाँ, क्या करें? इसके लिए बरसात में ये फैलता तो है हमें मालूम है, तो बरसात में बिल्कुल क्या सावधानी रखेंगे? ये बीमारी होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं। सबसे पहली बात जैसे मैंने पहले ही बताया, ये मैक्सिमम जो फैल रहा है वो टच से फैल रहा है, टच या कंटामिनेटेड कोई यूज़ के लिए। अब इसमें आप एज ग्रुप अपना देख लीजिए, यदि आप यंग हैं और आप जैसे जा रहे हैं, तो जैसे गर्ल्स रहती है मैक्सिमम वो आई मेकअप करती हैं, तो पहले आप कोशिश करिए कि क्रॉस जो आपके आई लाइनर और जितने भी इक्विपमेंट जो अपना खुद इंस्ट्रूमेंट का रहते हैं अपना खुद का रखो, आप क्रॉस मत करो, क्योंकि यदि किसी को भी हल्का सा इन्फेक्शन हुआ और आपने सेम ब्रश या सेम मेकअप के सामान यूज़ कर ली, तो डेफिनेटली वो आपके तरफ हाँ, भी आपने सोचा कि ये फैलेगा। मुफ्त का आईलाइनर मिल रहा है,
या आई ब्लशर मिल रहा है मुफ्त का तो वो नुकसान दे सकता है, वो कंटामिनेशन माले मुफ्त दिले बहरम हो जाता है कई बार। दूसरा यंगस्टर्स कई बार नाइट लाइफ में और इसमें आजकल जाते हैं, तो उनमें उनको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जो कंजेस्टेड और स्पेस जिसमें क्लोज्ड स्पेस रहे उसमें अभी के हवा बाहर जाने आने की गुंजाइश कम हो, अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे हमने कोरोना काल में थोड़ा सा प्रिवेंट किया था अपने आप को बचा के। सर्दी में भी है, सर्दी में भी अगर ऐसा भीड़ भरी और घुटन भरा इलाका है तो क्रॉस हो सकता है, तो ये वो समस्या है। बिल्कुल, इसमें कई बार हो पता ही नहीं चलता हमको, इतनी फास्ट यदि मॉब बहुत है, बहुत फास्ट यदि टर्नओवर है, तो कई बार वो क्लीनिंग भी उतनी प्रॉपर नहीं होती यूटेंसिल्स की या इसकी, तो वो कंटामिनेशन के चांस डेफिनेटली बने रहते हैं। रेस्टोरेंट में यू ऑल्सो डोंट नो कि जो भी वर्कर हैं या फिर कोई जो हैं उनको है कि नहीं है, तो पब्लिक प्लेसेस पे अभी अवॉइड करें थोड़ा सा। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आई कंजक्टिवाइटिस ही है या दूसरी कोई बीमारी? क्योंकि कई बार जैसे केवल आंखों में आंसू ही आ रहा है लेकिन जलन नहीं हो रही, खुजली नहीं हो रही है, थोड़ा सा आपने पढ़ने लिखने लगे, कुछ कंप्यूटर पर काम किया तो आंखों में आंसू होने लगा, कभी कभी आंखें लाल हो जाती हैं, तो आप कह ही देते हैं कि ये वो है, आंखें लाल नहीं हो रही हैं और कुछ और दूर हो, तो ये इसको पहचान क्या है, इसकी साइन क्या है इसके? इसमें जनरली जो अभी तक जो पेशेंट्स आते हैं वो लगभग ये समझिए कि ओवरनाइट उनको बिल्कुल फ्लेयर अप हो जाता है इन्फेक्शन, कि रात को तो हम सोते समय बहुत अच्छे थे, अभी सुबह उठे तो अचानक से आई रेड हो गई या वाटरिंग होने लगी या दर्द देने लगी, जलन होने लगी, पलकों पे थोड़ी सी सूजन रहेगी, ये इसके कुछ लक्षण हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ इन्फेक्शन हो गया है आपको। एलर्जिक भी कुछ परेशानियां हो जाती है? एलर्जिक जो खुजली होती है वो एलर्जिक है? हाँ एलर्जिक है, बट उसमें आंखें लाल होना और इतना सूजन आना ये सब नहीं होता। तो एलर्जिक किस वजह से हो सकती है? ये जो मौसम में परिवर्तन है, मौसम में परिवर्तन की वजह से हो सकती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर चलाते हैं विदाउट हेलमेट विदाउट गॉगल चलाते हैं, तो वो डस्ट भी आएगा और दूसरा ड्राई एयर भी आएंगे, तो वो भी कंटामिनेशन के भी चांस है उसके रहते ड्राइनेस के। गागल से ये सवाल पैदा होता है, आपने जिक्र किया, तो कुछ बार कभी कभी लोग एक दूसरे का चश्मा, नज़र का चश्मा तो नहीं लेते लेकिन गागल वागल बच्चे या पहन बांध के फोटो वोटो आजकल सेल्फी होने ही लगा है, मोबाइल में सबके पास कैमरा है, तो ये भी ठीक नहीं है? नहीं, इससे भी क्रॉस इन्फेक्शन के तो चांस बढ़ेंगे ना, क्रॉस इन्फेक्शन। क्या आपके लंबे इतने लंबे मेडिकल और आँखों के उसमें जीवन में कभी ऐसा अनुभव आया कि किसी का आई कंजक्टिवाइटिस का मामला बिगड़ गया और ज़रूरत फिर बहुत ज़्यादा गंभीर इलाज की पड़ी हो या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी हो या उसकी वजह से आँखों की रोशनी चली गई हो, ऐसा कुछ केसेस आपके देखने में? जी केसेस वही रहे हैं जिन्होंने मेडिकल शॉप से जाके खुद ही ट्रीटमेंट ले लिया और ड्रॉप्स वो कंटिन्यू करते रहे, वो इन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उनकी जो कंडीशन है वो और ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे केसेस में कई बार कुछ केसेस होते थे जिनमें फ्रैंक कॉर्नियल अल्सर बन जाते थे, काली पुतली में छाले हो जाते थे, तो वैसे केसेस डेफिनेटली आते हैं। तो इसलिए ओवर द काउंटर तो ड्रग का मैं बिल्कुल नहीं आपको एडवाइस करूँगा कि किसी को भी लेना चाहिए। प्रकृति ने हमें सबसे अच्छा जो बोलना चाहिए मेडिसिन दी है वो नेचुरल वाटर दिया है। यदि आपको लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हल्की सी इचिंग हो रही है, हल्का वाटरिंग रेडनेस कुछ हो रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने घर पे जो साफ़ पानी आता है उससे आँख धो ले 2 से 3 बार। यदि मामूली चीज़ रही, डस्ट रहा या कुछ एलर्जी हल्की फुल्की रही, तो वो उससे ठीक हो जाएगा। पर साहब आजकल पानी का भी तो दिक्कत है ना, कि हमारे इंदौर में ही पानी जो है कई बार कई घरों में तो ड्रेनेज मिक्स पानी आ रहा है, वो तो और ज़्यादा नुकसान दे सकता है। डेफिनेटली उसको तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी नगर निगम अगर आप घर में आरओ वगैरह है तो उस आरओ के पानी से धो, आरओ के पानी से धो सकते हैं। नगर निगम का जो ट्रीटेड वाटर रहता है यदि वो क्लियर वाटर है तो आप उससे क्लीन कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 3-1 बार आंखों को यूं भी धोना चाहिए ऐसा कहा जाता है? हाँ, एक दो बार सफिशिएंट है, 2 बार। तो उससे जो है वो इन्फेक्शन भी डाइल्यूट होता है? डेफिनेटली लोड कम हो जाता है, बैक्टीरियल लोड या कुछ है तो वो आपका कम हो जाएगा ना, और दूसरा सरफेस क्लीन हो जाएगी, तो दोनों ही उसमें असर होता है। नींद का कितना महत्व है? नींद बहुत ज़रूरी है, नींद से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, नींद से हमारा पूरा डिफेंसिव सिस्टम जो बॉडी का डिफेंस रहता है वो डिपेंड करता है। यदि आपने कम नींद ली है तो आपका डिफेंसिव सिस्टम वीक हो जाएगा, डिफेंसिव सिस्टम वीक हुआ तो डेफिनेटली फिर आपको ह्यूमन सिस्टम जो इसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है जब यदि आप किसी पर ये आँखों को आराम मिलता है क्योंकि आप दिन भर देखते रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और स्क्रीन टाइम बहुत गुजार रहे हैं, तो
दो चार घंटे सो लें, दिन में भी अगर आधा घंटे के अपन स्क्रीन से हट जाए, हाँ ये जरूरी है, तो भी आपकी आंखों के लिए ठीक है। बिल्कुल, स्क्रीन से, स्क्रीन में वैसे भी बोला जाता है 20-20 रूल जो रहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए हमको। उस 20-20 रूल में ये 20-20 रूल क्या है, इसमें ये रहता है कि यदि आपने 20 मिनट किसी कंप्यूटर पे काम कर लिया तो आपको 20 सेकंड के लिए ब्रेक देना चाहिए, और जितना फार आप देख सकते हैं 20 फीट इसके हिसाब से किया है, या फिर जितना फार देख सकते हैं उतना 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटा के और दूर देखिए, एकदम दूर देखिए। तो इससे दोनों चीज़ होगा, एक तो आपकी जो देखने की जो क्षमता है, एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी रिलैक्स होगी, और दूसरा आपका लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होगा, क्योंकि आंखों की पुतलियां सबसे जल्दी फोकस एडजस्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूरी है कि उसको डिफोकस किया जाए ताकि उसकी वो बना रहे, उनकी आदत बनी रहे। डिफोकस करेंगे तो आपका इम्प्रूव बेटर आएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंप्यूटर यूज की। वैसे सामान्य जिंदगी में कहा जाता है कि फोकस कीजिए, हाँ, लेकिन आंखों के लिए जरूरी है कि डिफोकस कीजिए। आंखों में डिफोकस करना जरूरी है, लाइफ में फोकस करना जरूरी है। सर ये इस बीमारी को लेकर काफ़ी जागरूकता भी आ रही है, सरकार के तौर पर भी बहुत सारे एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, लेकिन ये जो स्कूली बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ये सबसे ज्यादा इसके शिकार बनते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो माता पिता क्या करें कि भाई बच्चा तो स्कूल जाएगा ही जाएगा, छोटे बच्चों को इतनी समझ भी नहीं है कि वो अपना अलग रुमाल रखें, एक दूसरे को देखें नहीं, एक दूसरे छुए ना, तो क्या ऐसा कुछ प्रिवेंटिव कोई ऐसा कोई ड्रॉप ड्रॉप होता है कि बच्चे रात में सोने लगे तो माँ डाल दें या कर दें कि जितना ज़्यादा हो सके बचाव हो जाए बच्चों का, विशेषली जो स्कूल जाने वाले बच्चे, छोटे बच्चे? नहीं, ऐसे कोई प्रिवेंटिव ड्रॉप कुछ भी नहीं है, प्रिवेंटिव ड्रॉप्स का कोई रोल नहीं है इसमें। सबसे अच्छा है आपको एक ऑक्यूलर हाइजीन आप बच्चों को सिखाइए, दूसरा टीचर्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। यदि आप टीचर्स को कहीं भी लगता है कि किसी भी एक बच्चे की आँख जरा सी भी लाल है या कुछ है, तो आप उसको प्राइमरी तौर पे उसी समय इमिडिएटली जैसे भी आपको आइडेंटिफाई हुआ जिस समय, आप उसको बच्चे को सेग्रीगेट कर दें, थोड़ा सेपरेट कर दें, उनको पेरेंट्स को कॉल करें और उनको मेडिकल एडवाइस लेने का सलाह दें, बजाय कि उसको बच्चों को, और यदि आप थोड़ा देर रखेंगे तो वो दूसरे बच्चों के साथ घुलेंगे मिलेंगे। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर आपके बच्चे को है तो उसको स्कूल ना भेजें जबरदस्ती की, कई बार उन्हें लगता है कि हाँ जबरदस्ती घर में उधम मचाएगा, उसे अच्छा है कि स्कूल में चला जाए। बिल्कुल, जब तक कि कोई आई स्पेशलिस्ट आपको क्लियरेंस ना दे, मेडिकल सर्टिफिकेट ना दे कि हाँ आप वापस ज्वाइन कर सकते, तब तक नहीं करना चाहिए, उनको भेजना नहीं चाहिए। बच्चों की वजह से, बच्चों में खासतौर पे सबसे तेजी से फैलता है और सबसे ज्यादा परेशान भी वो होते हैं, क्योंकि वो उस जिस तरह की इचिंग होती है, जिस तरह की जलन होती है, उससे बच्चे चिड़चिड़ाए हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात कि वो उतनी सावधानी नहीं रख पाते, वो खुद तो होते ही है, वो दूसरों को भी, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कब वो आपके पापा से मिल लिए, कब मम्मी से मिल लिए, और वो एक दूसरे को करते रहते हैं। इसमें एक चीज और, जैसे बच्चे और बूढ़े दोनों बोलते हैं ना एक समान होते हैं, तो वैसे ही बूढ़ो मतलब एल्डर पर्सन जिनको एसोसिएटेड सिस्टेमिक डिजीज़ है, लाइक डायबिटीज़ है या गठिया वात है या कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें वो कुछ ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ड्रग यूज़ करते हैं ना, जिस जो ज़रूरी रहती है उनके सर्वाइवल के लिए, यदि ऐसे कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सावधानी रखना है कि उनको लाइटली नहीं लेना है इसको, समस्या को, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के रेट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन यदि इग्नोर किया आपने। और अगर ये बीमारी हो जाए तो 4-5 दिन तो जैसे रहेगी सही, कम से कम आप बता रहे हैं 4-5 दिन, तो उस दौरान क्या हमें कंप्यूटर पे काम करना चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पे काम करना चाहिए, पढ़ने लिखने का काम, किताबें पढ़ना लिखना, या मुझे ऐसा कोई जर्नलिस्ट है तो लिखने पढ़ने का काम ये करना चाहिए या आराम करना चाहिए? अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी आइज़ को रेस्ट भी मिलेगा और थोड़ा सा फास्ट भी रिकवरी होगी। जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको वाटरिंग भी होगा, आप अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना। और इस बीमारी के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सिर दुखना या ये कान तक जाना या इस तरह कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, इसमें जनरली जो पलकों पे या आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी ये ब्रो तक भी पहुंच जाता है, और जनरल यही सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को इसके साथ ही गले में खराश, सर्दी खांसी भी रिपोर्टेड है। अभी हम देख रहे हैं पेशेंट को, तो अभी मान के चलिए 10-20% पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिनको 2-5 दिन पहले या ये कंजक्टिवाइटिस के बाद भी उनको गले में खराश और ये सब चीज़ चालू हो जाते हैं, तो उनको उस पर भी ध्यान रखना है, हल्का फीवर सब चीज़ चालू होती है, तो उनको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश अग्रवाल साहब, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी है। ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है आई कंजक्टिवाइटिस, और जब तक बरसात का मौसम रहेगा इसके फैलने की आशंका
खतरा बरकरार रहेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानियां बरतें, साफ़ सफाई से रहें, क्योंकि ये बीमारी जो है बैक्टीरियल बीमारी है, अक्सर गंदगी की वजह से बीमारी होती है, तो हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये बीमारी हो जाए तो हमें इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि हम दूसरों को ये बीमारी ना दें। अपना रुमाल, अपनी टॉवल, अपने कपड़े अलग रखना चाहिए, एक तरफ रहना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहिए, ताकि हम उनको बीमारी का देने का काम ना करें। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर महेश अग्रवाल साहब ने कही कि अगर ये बीमारी होती है तो अपने मन से दवाई नहीं लेनी चाहिए, मेडिकल वाले से पूछकर दवाई नहीं लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वही दवाई लेनी चाहिए जो ज़रूरी है। और साथ ही ये लापरवाही भी बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए कि भाई आँख आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आँख आइए दो चार दिन में ठीक हो जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे ही आँखों में परेशानी शुरू होती है आपको तत्काल विशेषज्ञ से बात करना चाहिए, अपने चिकित्सक की, अपने फैमिली फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए और उस सलाह के अनुसार दवाई लेकर खुद को भी स्वस्थ रहना चाहिए और अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें भी स्वस्थ रहने में मदद करनी चाहिए। देखते रहिए डीजाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।